अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मार्च का मंथ स्टार्ट हो चुका है तो बहार की आमद आमद है। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, तो मैंने भी सोचा कि ना एक वीडियो बना ली जाए। सामने आपकी येलो रंग की बेल की है, फ्लावर वाली बेल है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। इसके साथ येलो रंग के फूल लगे हुए हैं और नीचे कुछ पिंकिश कलर के फ्लावर्स हैं। अभी इसके साथ मज़ीद फूल लगेंगे, ये बिल्कुल येलो हो जाएगी। इसके पत्ते जो हैं वो ग्रीन छुप जाएंगे, सारे येलो हो जाएगी। बहार के मौसम में आपको पता ही है कि रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, मौसम बहुत खूबसूरत होता है और फूलों से भरा हुआ एक अच्छा सा प्यारा सा सीज़न होता है। ये है आपके सामने अब नाशपाती का पौधा, इसके साथ वाइट कलर के फ्लावर्स लगते हैं, ये भी फूलों से भरा हुआ है। शहद की मक्खियाँ इसके ऊपर आती हैं, रस चूसती हैं और शहद बनाती हैं। अभी क्लोज से मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको नज़र आएगा कि शहद की मक्खियाँ इसके ऊपर बैठी हुई थी। जब इसके साथ फ्लावर लगते हैं तो बहुत प्यारा ये पौधा लगता है। जब फ्लावर्स ख़त्म हो जाएंगे तो इसके साथ फल लग जाएगा, नाशपाती लगेगी इसके साथ। ये गुच्छों की सूरत में फ्लावर्स लगते हैं, शहद की मक्खियाँ इसके ऊपर आकर बैठती हैं, रस चूसती हैं। ये देखिए आपके सामने हनी भी बैठी हुई है। बाहर के मौसम की एक अलग ही बात होती है, हर तरफ फूल ही फूल नजर आते हैं। नर्सरीज में मुख्तलिफ कलर के फ्लावर्स के प्लांट्स आते हैं, लोग बहुत शौक से खरीदते हैं और अपने घरों में लगाते हैं। ये एक और नाशपाती का पौधा है, इसके साथ ये देखें ये दरख्त बन चुका है, अब काफ़ी बड़ा है। इसके साथ ये फूल भरा हुआ है फूलों के साथ। अभी फूल लगे हुए हैं, इसके साथ फिर फल लगेगा और गर्मियों में ये फल पक जाएगा। हवा चल रही थी, बहुत प्यारा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, धूप निकली हुई थी। मार्च का मौसम वैसे ही बहुत प्यारा होता है, विंटर सीजन का खात्मा हो चुका होता है, बहार का मौसम शुरू हो चुका होता है। ये देखें क्लोज से कितने प्यारे फ्लावर्स हैं।
ये बिल्कुल सीधी सीधी टहनियाँ होती हैं ऊपर की तरफ इसकी, इसका फैलाव ज़रा कम होता है। इसके ऊपर भी हनी बीज बैठी हुई हैं। इसके साथ ये खुबानी का पौधा है, दरख्त है, इसके साथ भी फ्लावर्स लगे हैं। फुल फ्लावर से भरा भरा हुआ है, जो थोड़े पिंक कलर के होते हैं, वाइट कलर की हैं, लेकिन दूर से देखे तो थोड़े पिंक शेड के ना फ्लावर्स होते हैं। ये भी फुल भरा हुआ है फ्लावर्स के साथ। खुबानी भी गर्मियों में पक जाती है, परिंदे भी शौक से खाते हैं इसको, लेकिन इसकी बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, स्प्रे वगैरह करें तब ये सही रहती है, वरना ये ख़राब हो जाती है। अभी इसके साथ फ्लावर्स है, रहते रहते इसके साथ अफगानियाँ बन जाएंगी। वैसे तो ये सर्द इलाके का फल है, लेकिन ये गर्म इलाके में भी पाया जाता है। ये दरख्त बन चुका है, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुबानियाँ लगती हैं और काफ़ी जायकेदार होती हैं। ये देखिए क्लोज से, इसके ऊपर भी हनी बीज आके बैठती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।